Assalamu alaikum. I'm your science teacher. This is a book of class 1, Simply Science 1. In the previous lecture, हमने grouping and changing material में everyday material का unit read किया था and explain किया था. अब स्टार्ट करते हैं मोर नेचुरल मटेरियल. आज हम ये टॉपिक रीड करेंगे मोर नेचुरल मटेरियल्स, मजीद कुदरती चीज़ें. टॉपिक है वुल एंड लेदर. वुल माने ऊन एंड लेदर और चमड़ा. पिक्चर में आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, दीज थिंग्स आर ऑल मेड फ्रॉम लेदर. ये तमाम चीज़ें जो है वो चमड़े से बनी हुई हैं. वुल इज क्लिप्ड ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल. ऊन जो है वो उतारा जाता है खाल से जानवरों की. मोस्ट ऑफ आवर वुल कम्स फ्रॉम शीप. ज़्यादातर ऊन जो है वो भेड़ से आता है, बट सम कम्स फ्रॉम गोट. लेकिन कुछ जो है वो बकरियों से भी लिया जाता है. लमास, लमास एक ऐसा एनिमल होता है जो कि कैमल के फैमिली से बिलोंग करता है. कैमल्स एंड अदर एनिमल्स, ऊंट और दूसरे जानवरों से भी ऊन को हासिल किया जाता है. दिस वुल इज क्लीन. इस ऊन को साफ किया जाता है एंड स्पन इनटू अ थ्रेड, और उसके बाद उसको धागे में बुना जाता है. दिस वुल एंड थ्रेड इज यूज टू मेक क्लोथ. और फिर इस ऊनी धागे को हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं क्लोथ्स बनाने में, कपड़ा बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में एंड कारपेट्स और कारपेट बनाने में. नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क. द सिल्क वॉर्म मेक सिल्क. सिल्क का मतलब होता है रेशम. रेशम का कीड़ा जो है वो रेशम बनाता है. द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर ऑफ द सिल्क मॉथ. सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है वो एक सिल्क मॉथ की एक किस्म होती है. व्हेन इट इज अ फुली ग्रोन, जब ये मुकम्मल तौर पे बड़ा हो जाता है. द कैटरपिलर स्पिन्स तो अ कोकॉन मेड अप ऑफ लेयर ऑफ थिन फाइबर्स. फिर ये जो है वो बारीक बारीक फाइबर्स से जो है वो उसकी लेयर्स, उसकी तहें बनाते हैं. दीज फाइबर्स आर कलेक्टेड, और फिर इस फाइबर्स को जमा किया जाता है मेड इनटू सिल्क, और उसके बाद इसको रेशम, इससे रेशम बनाया जाता है. क्ले, क्ले मीन्स मट्टी. क्ले इज सॉफ्ट. मट्टी नरम होती है, स्टिकी मटेरियल और चिपकने वाली चीज़ होती है. इट इज़ डग आउट ऑफ द ग्राउंड, और उसके बाद उसको ज़मीन से खोद के निकाला जाता है. क्ले कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स. मट्टी जो है वो बनाई जाती है मुख्तलिफ चीज़ों, मट्टी से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं. व्हेन इट इज़ सॉफ्ट, जब ये नरम होती है. व्हेन इट इज़ बेक्ड, जब उसको पका लिया जाता है. क्ले बिकम वेरी हार्ड, उसके बाद मट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है. इट इज़ यूज टू मोर मेक कप्स, उसको इस्तेमाल किया जाता है प्याली बनाने में, सॉसर, तश्तरी बनाने में, प्लेट्स बनाने में, बाउल यानी प्याले बनाने में, ब्रिक्स ईंटें बनाने में एंड टाइल्स और टाइल्स बनाने में. नेक्स्ट टॉपिक इज आयरन एंड स्टील. आयरन एंड स्टील आर मेड फ्रॉम आयरन ओर. आयरन और स्टील बनाई जाती है कच्ची धात से या खाम धात से. खाम धात उस धात को कहते हैं जो ज़मीन से फौरी तौर पे निकाली जाती है, उसको खाम धात कहते हैं. दिस मटीरियल इज़ यूज फाउंड इन सम रॉक्स अंडर द ग्राउंड. ये चीज़ें जो है ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं और पाई जाती हैं. द आयरन ओर इज़ माइंड. आयरन ओर ये कच्ची धात को जो है वो काम से खोदा जाता है, निकाला जाता है, मेड इन टू आयरन, और उसको आयरन और स्टील बनाया जाता है. नेल्स, स्क्रू, नेल्स का मतलब होता है कील, स्क्रू. गार्डन टूल्स जो बाग में जो हम औजार इस्तेमाल करते हैं वो तमाम चीज़ें, कार्स, बाईसाइकिल एंड अदर मशीन्स और दूसरी मशीनें वगैरह जो है वो आयरन और स्टील से बनाई जाती हैं.